विधानसभा चुनावों के चलते सभी दलों के बीच गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। सभी दल एक दूसरे पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब इसी बीच संसद में पीएम मोदी के एक बयान के बाद सभी दलों के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। आखिर पीएम के किस बयान पर छिड़ी बहस और किस किस दल के बीच छिड़ी लड़ाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद में बजट सत्र जारी है जिसमें विपक्ष जमकर मोदी सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देशों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब इसी बीच बीते दिन पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत गरमा गई और सभी दलों के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल बीते दिन संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर ऐसा कुछ कहा जो सीएम केजरीवाल को पसंद नहीं आया और उन्होंने पीएम के बयान को झूठा करार दिया। तो सीएम योगी ने एक के बाद एक ट्वीट कर केजरीवाल पर हमला बोला। केजरीवाल ने भी पलटवार किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस झगड़े में कूद पड़े तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। दरअसल पीएम मोदी के बयान को झूठा बताते हुए केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। इसी पर सीएम योगी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। एक और ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। सीएम योगी के आरोप पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सीएम योगी पर हमला बोला। संजय सिंह ने लिखा कि सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है। इस बहस में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। आप और बीजेपी की लड़ाई के बीच में आई कांग्रेस ने दोनों को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। अब इस लड़ाई में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो नेता ही जाने, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सभी दल सिर्फ अपनी गलतियों को दूसरों पर डालकर खुद को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की फिक्र किसी को नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।